हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि मोटो E13 फ़ोन में आप लोग डॉल्बी एटमोस को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोटो E13 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को डॉल्बी एटमोस सेटिंग्स को जो आप लोगों को यूज़ करना है, तो कैसे आप लोग डॉल्बी एटमोस सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉल्बी एटमोस को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करते ही आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन का। तो इस साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस डॉल्बी साउंड ऐप्स का। तो इस डॉल्बी साउंड ऐप्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शंस नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे गाइस? जब भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ के साथ कुछ भी यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट नहीं है। जब आप लोग ब्लूटूथ के साथ डिवाइस को कनेक्ट करोगे तभी आपके फ़ोन में ये ऑप्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइस मैंने एक ब्लूटूथ हेडफोन को जो है इसके साथ कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करते ही यहाँ पर ये ऑप्शन जो है आ गया। अभी आप लोग इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक के बहुत सारे मोड्स है, चार मोड्स है। एक है फिल्म मोड, एक है म्यूजिक और एक है वॉइस। ठीक है गाइस, यहाँ पर चार मोड को जो है आप लोग यूज़ करके म्यूजिक को एन्जॉय कर सकते हो। चारों मोड में जो है आप लोगों को अलग अलग साउंड क्वालिटी सुनने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो इसको ही बोलते हैं डॉल्बी एटमोस। तो यहाँ पर से आप लोग चारों मोड को यूज़ करके अलग अलग साउंड के मज़े ले सकते हैं। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने मोटो E13 फ़ोन में डॉल्बी एटमोस को यूज़ कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।